Now, responding to yet another piracy attack in the Indian Navy, intercepted and rescued a hijacked Iranian fishing vessel, Al Kambar 786, and its 23-member Pakistani crew in the Arabian Sea. Now, according to the Navy, after more than 12 hours of intense coercive tactical measures, as per the SOPs, the pirates on board who had hijacked FV were forced to surrender. The crew, which comprised 23 Pakistani nationals, have been safely rescued, is what we're learning. I have my colleague Rajiv Ranjan joining us with more details. Rajivji, if you could take us through what's coming in from the Indian Navy at this point. They've in fact intercepted another vessel hijacked by pirates, and it was in fact an Iranian vessel, and they've rescued 23 Pakistani crew members. बिल्कुल, एक नौसेना की बहुत बड़ी और सफल कार्रवाई, और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए नौसेना ये कार्रवाई कहाँ कर रहा है। हिंदुस्तान से अगर बात करते हो, हिंदुस्तान के सी बाउंड्री से कई सौ हजार किलोमीटर दूर कर रहा है, अरब की खाड़ी में कर रहा है, अदन की खाड़ी, लाल सागर के इलाके में, और वहां दुनिया के तमाम देश हैं। लेकिन एक भारत इकलौता देश है कि चाहे चीन के नागरिक हो चाहे पाकिस्तान का हो, वो जब मदद के लिए गुहार लगाता है तो भारतीय नौसेना के जो ये दुपूत है वो सामने आता है। और खासतौर से उस हालात में जब इसराइल हमास युद्ध होता है, और उसके बाद जब मर्चेंट शिप पर लगातार इस तरह के हमले होते हैं, सोमालिया पायरेट्स की बात करें, हुती की बात करें, तो भारतीय नौसेना ये तय करता है कि चूंकि मर्चेंट शिप हमारे ज्यादातर जो व्यापार उसी रास्ते से होते हैं, तो उनकी मदद के लिए आएंगे। और न केवल भारतीय मर्चेंट शिप की बात करें, बल्कि दुनिया के तमाम मर्चेंट शिप की मदद के लिए जो भारतीय नौसेना सामने आ रही है। और यहाँ 12 घंटे मिड सी में ऑपरेशन करना एक बहुत डिफिकल्ट होता है, जहां आर्म्ड जो है नौ जो है सोमालिया पायरेट्स हैं, और उनकी मदद के लिए आता है और उनको सरेंडर करने को मजबूर करता है। और यहाँ 23 पाकिस्तानी को बचा लिया जाता है। इससे पहले आपको बता दें कि जनवरी महीने में भी 19 पाकिस्तानी को बचा लिया गया था, तो भारतीय नौसेना के उन लोगों ने जयकारा लगाया था। तो कह सकते हैं कि भारतीय नौसेना की जो रीच है, जो पहुंच है, वो दिखाता है कि भारतीय नौसेना की रीच अब कहां तक पहुंच चुकी है। थैंक यू राजीव फॉर जॉइनिंग अस एंड ब्रिंगिंग अस दोस डिटेल्स।